अभी आपने आधे घंटे के लिए मैथ्स पढ़ ली, अभी आधे घंटे के लिए आपने उसके बाद फिजिक्स पढ़ ली, ऐसा कर लिया, मतलब ऐसे नहीं करना है हमें। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु फ्रॉम टॉपर्स एकेडमी। सो आज मैं फिर आपके साथ आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो बहुत ही स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो क्या लाई हूँ मैं इस बार आपके लिए, हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम्स, फोर साइंटिफिक स्टेप्स टू कवर सिलेबस इन लेस टाइम। सो कम टाइम में हम कितना कैसे कवर कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा सा दो चार पॉइंट्स है तो वो मैं डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। टू स्टडी फॉर एग्जाम्स इफेक्टिवली एंड कवर योर सिलेबस इन लेस टाइम, फॉलो दीज फोर स्टेप्स, ठीक है। ये चार स्टेप हैं, तो ये थोड़ा हेल्प कर देंगे आपको कि आपको एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट है एक्टिव लर्निंग, एंगेज विद द मटेरियल एक्टिवली बाय टेकिंग नोट्स, समराइज की पॉइंट्स एंड टीचिंग अदर्स व्हाट यू हैव लर्न्ड, दिस हेल्प्स यू रिमेंबर बेटर। इसका क्या मतलब है बेटा, एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग में क्या होगा कि आपको जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसे एक नोट्स के रूप में आप बनाते चलो, ठीक है। उसके नोट्स पढ़ो और कुछ भी ऐसी कोई बड़ी चीज, बड़ी लाइन या बड़ा टॉपिक है, उसे समराइज छोटे तरीके से एक की पॉइंट के थ्रू आप बनाते चलो, ठीक है। तो इसमें मतलब ये चीज रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। प्लस क्या लिखा है इसमें कि जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी कुछ भी आप पढ़ रहे हो या जो भी याद कर रहे हो आप, वो अगर आप दूसरों को समझाओगे, दूसरों को बताते हुए चलोगे, तो वो क्या होगा कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और ज्यादा अच्छे से लाइक याद रखोगे बहुत टाइम तक, ठीक है। तो इसमें दो चीजें हो गई कि आप दूसरों को भी बता दोगे, प्लस आपकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, ओके। सेकेंड पॉइंट इज स्पेस इट आउट, स्प्रेड योर स्टडी सेशन ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग एट ऑल एट वंस, दिस मेथड इम्प्रूव्स योर मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है बेटा, जो भी अपने मतलब स्टडी लाइक जो भी आपने पढ़ा है उसे एक साथ रटना नहीं है, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वह रटते हैं, समझते कुछ नहीं है कि ऐसा क्यों है तो क्यों है, ऐसा लिखा है तो क्यों हो, मतलब क्यों लिखा है, या मतलब एक लॉजिक वाली चीजें या कुछ भी ऐसा है, तो उसे समझना नहीं है, बस रटना है कि अगर ये लिखा है तो हमें ये पूरा पढ़ना है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि उस चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप जितना समझ के चलोगे उतनी चीजें आपको बहुत टाइम तक क्या आप वो कभी भूलोगे ही नहीं। कुछ भी अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम याद करते हैं तो उस क्वेश्चन को समझ के प्लस उसका आंसर देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर हो गया, तो क्या किया हमने, उस आंसर को समझ लिया, उस क्वेश्चन को समझ लिया कि हाँ भाई ये इस चीज का है, इसलिए हमें वो बहुत देर तक टाइम तक याद रहता है, ठीक है बेटा। मिक्स सब्जेक्ट्स, डोंट स्टडी वन सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक टू एनहेंस योर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट एंड अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। इसमें क्या है, मिक्स सब्जेक्ट मतलब कोई मतलब अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस चीज को आपको मिक्स नहीं करना है, ठीक है। कि अभी आपने आधे घंटे के लिए मैथ्स पढ़ ली, अभी आधे घंटे के लिए आपने उसके बाद फिजिक्स पढ़ ली, ऐसा कर लिया, मतलब ऐसे नहीं करना है। हमेशा स्ट्रेटेजी चलनी मतलब बनानी है कि अगर आज मैंने मैथ्स चुनी है तो उस टाइम को मैं पूरा आराम से मैथ्स पढ़ूं। ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट मैं एक दिन में कवर कर दूं, तो ऐसा आप नहीं मतलब पढ़ पाओगे, ना आपको कुछ याद रहेगा। पढ़ तो उस टाइम के लिए आपको पढ़ तो लोगे, याद हो जाएगा, पर बाद में आपको बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैथ्स में फिजिक्स घुसा दोगे एंड फिजिक्स में मैथ्स घुसा दोगे, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आराम से स्पेस मतलब टाइम लेके पढ़नी है कोई भी चीज हो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। लास्ट पॉइंट इज रिफ्लेक्ट, पीरियोडिकली असेस योर अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट योर स्टडी स्ट्रेटेजी, आस्क योरसेल्फ व्हाट डू आई नो वेल एंड व्हाट डू आई नीड टू रिव्यू। इसमें क्या होगा बेटा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपने समझना है, ठीक है।
अपने आप से क्वेश्चन पूछने, कभी भी कोई भी फ्री मतलब फ्री टाइम होता है या कोई भी ऐसा स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हो तो बहुत फ्री पीरियड मिलते हैं आपको ऐसे, ठीक है, उसमें आप क्या करो, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो कि हाँ भाई अगर मैंने अगर वो क्वेश्चन किया है तो मतलब उसको दिमाग में याद करो, ठीक है। तो इसलिए मैं कि व्हाट टू डू आई नो वेल, कि मुझे कितना आता है उस चीज पे क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर आपने कुछ सुबह चीजें पढ़ी है तो उसके उसमें दिमाग में क्वेश्चंस लाओ कि हाँ ये है तो ऐसा क्यों है, तो उसमें ही अपने आप को, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे और अपने आप से ही आंसर दोगे तो उस चीज को आप बहुत ज्यादा दूर तक याद कर सकते हो, बहुत टाइम तक याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत मतलब छोटी सी है, चार चीजें हैं, ठीक है, पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखो पढ़ना आपको है तो ये छोटे से ऐसे है कि अगर इस पे चीजें करोगे तो वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा। बाकी पढ़ना आपको है तो अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो, बट अगर ये चार चीजें आप थोड़ा सा अपने उसमें प्लस करते हो चलोगे तो वो आपको थोड़ा हेल्प कर देगा बहुत टाइम तक याद रखने के लिए चीजें, ठीक है। तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए या किसी चीज का कोई भी आपको पूछना हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो टॉपर्स अकेडमी, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर है 7827048964, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें आप कभी भी व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी आपको पूछना है या किसी भी कोर्स में आपको एनरोल करना है तो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो, या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, कोई सजेशन होता है तो आप मेल भी कर सकते हो info@topersacademy.app। एंड हमारी वेबसाइट भी है, उसमें आप गो थ्रू कर सकते हो, कोर्सेज वगैरह देख सकते हो या कुछ भी कोई भी चीज गो थ्रू करना है आपको तो वो कर सकते हो www.topersacademy.app। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।